हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू मदर्स किचन कॉर्नर। मैं हूं श्वेता और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि है शाकशुका। ये बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें अंडों को ना उबालना होता है ना ही फ्राई करना होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी बनता है। अगर आप एग करी खा खा के बोर हो चुके होंगे तो आप ज़रूर इस तरीके से आज ये शाकशुका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं थोड़े से इंडियन स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शाकशुका बनाने के लिए हमने सारे सब्जियों को काट लिया और मसालों को रेडी कर लिया है। तो हमने प्याज ले लिया है, 2 मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, जो कि हमने स्लाइसेस में काट लिया है, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, एक सूखी मिर्च, अदरक लहसुन को हमने कूट कूट लिया है, क्रश कर लिया है थोड़ा सा, बिल्कुल 1 टीस्पून 1 टीस्पून, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन भी हमने ले लिया है 2-3 कली, 4 से 5 हरी मिर्च कटा हुआ, और बेल पेपर हमने लिया है एक करीब मीडियम साइज़ का। आप इसकी जगह चाहे तो वो कलरफुल बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम, और हमने टोमेटो प्यूरी भी लिया है जो कि 2 मीडियम साइज़ का है। तो आप चाहे तो रेडीमेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वाला, और मैंने घर पे बनाया है। तो मसालों में हमने लिया है करीब 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ब्लैक पेपर। ध्यान रहे कि ब्लैक पेपर हो, क्योंकि ब्लैक पेपर से फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और ब्लैक पेपर पाउडर बहुत ज़रूरी है शाकशुका के लिए। तो पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है, हम इसमें 2 टेबलस्पून करीब सरसों का तेल ले रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्ची, सूखी मिर्च और लहसुन। इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे करीब 2 मिनट, जब तक जीरा ब्राउन नहीं हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भून चुका है। तो सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हम इसमें बेल पेपर को ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा 2-3 मिनट हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम को। आप कैप्सिकम को स्लाइसेस में भी काट सकते हैं और डाइस में भी काट सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। हम इसको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, कम से कम 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। शाकशुका बनाते वक्त हमें ध्यान रहे कि हमारा जो कैप्सिकम है उसको बिल्कुल हमें पेस्ट नहीं बना देना है भूनकर। हमारा कैप्सिकम जो है वो दिखना चाहिए शाकशुका बनने के बाद। तो अब हम इसमें आप देख सकते हैं ये हो चुका है 2 से 3 मिनट। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ, जिसको आप क्रश करके या पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम 2 मिनट फिर से भून लेंगे इसको। अब ये 2 से 3 मिनट भून चुका है, अब यहीं पे हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अब टोमेटो प्यूरी के साथ साथ हम यहाँ पे सारे स्पाइसेस को डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर। और सबको हम मिक्स कर लेंगे और मसालों को बिल्कुल हम अच्छे से भून लेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट। मसालों को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि मसाला जितना अच्छा पके उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पे पानी थोड़ा सा डाल देंगे, करीब 1/2 ग्लास हम लेंगे पानी। आप अपने थिकनेस के हिसाब से रख सकते हैं।
अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। आप इसको चाहे तो कवर भी कर सकते हैं या खुला भी छोड़ सकते हैं करीब 5 मिनट तक, ये थोड़ा सा थिक हो जाए ग्रेवी, और उसके बाद हम अंडों को इसमें सेट करेंगे या डालेंगे। तो जब तक आप देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ी थिक हो रही है, तब तक हम अंडों को लेके फोड़ लेते हैं। अब हम एक एक करके अंडों को फोड़ लेंगे एक बोल में। ध्यान रहे कि हमें इसे पहले बोल में ही फोड़ना है, तो ध्यान रहे कि हम अंडों को कटोरी में ही पहले उसको फोड़ ले, ताकि हम वहाँ डालते वक्त मेरा डायरेक्टली टूटे नहीं, इसलिए हम इसमें डाल के तब पैन में हम डालेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ग्रेवी थिक हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लेंगे, ऐसे एक हाथ से स्पेस बनाएंगे और यहाँ पे हम फोड़े हुए अंडे को ऐसे डाल देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से एकदम अच्छे से। बाकी अंडों को भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पे स्पेस बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे अंडों को डाल दिया है। बनाते वक्त एक दो अगर थोड़ा सा फूट भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रहे कि ना फूटे। और अब हम इसको कम से कम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, जब तक अंडा पक नहीं जाता, सेट नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी ठीक हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, अंडों में नमक नहीं है तो हम इस पर नमक को स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे नमक को। और यहीं पर हम ब्लैक पेपर को अच्छे से डाल देंगे सभी अंडों के ऊपर। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा शाकशुका लगभग बन के तैयार है। हम तब तक गैस ऑफ करने से पहले हम थोड़ा सा धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे इसको। हमारा शाकशुका बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे सेट होने के लिए, उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुका है, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना आपने कितना अमेजिंग रेसिपी है, और आसान भी और बहुत जल्दी भी बन जाता है। सो आपका अगर नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा यम्मी खाने का मन करे तो शाकशुका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे कि रोटी, पराठा, नान, राइस, जीरा राइस, किसी के साथ भी खा सकते हैं। एंड ब्रेकफास्ट में भी टोस्ट के साथ भी खा सकते हैं आप। सो एंजॉय शाकशुका दिस वीकेंड विथ योर फैमिली। तब तक के लिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, मुझे रियली मोटिवेशन मिलता है इससे। एंड Don't forget to press the bell icon for more interesting new recipes. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और हम इसे यहाँ पे जीरा राइस के साथ आज खाने जा रहे हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा इसे और ज़रूर बनाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।